आप सब लोग प्रार्थना में, मुझे पूरा यकीन है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टीचर्स के लिए, सबके लिए प्रार्थना की। आगे से जब भी प्रार्थना करें अपने देश के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हम लोग सब लोग जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। अगर हम जीसस क्राइस्ट के जीवन को देखें तो उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों की पूरी जिंदगी सेवा की, और गरीबों और बीमार लोगों की सेवा करते करते उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन त्यागा, जो लोग उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे उनको भी अंतिम क्षणों में उन्होंने माफ कर दिया। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। वैसे तो भगवान को सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा स्पेशल प्यारे होते हैं। तो वो जो ज्यादा स्पेशल प्यारे होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे होते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं। हम सब लोगों को भगवान ने अच्छे अच्छे परिवारों में पैदा किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवारों में होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए उन लोगों की मदद करने की। हम सब चाहते हैं कि गरीब बच्चे भी, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले, वो भी पढ़ लिख के बड़े हों और अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें। तो जब आप लोगों से कोई पूछता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई बच्चा कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर और इंजीनियर तो अपना परिवार पालने के लिए बनते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर तो प्रोफेशन है। हम सब लोगों को बड़ा होके अच्छा इंसान बनना है। अगली बार अगर आपसे कोई भी अंकल या आंटी पूछे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो ये मत बोलना डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बोलना, बड़े होके इंसान बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। और हम सब बच्चों को, आप सबको जीसस क्राइस्ट के स्पेशल बच्चे बनना है, भगवान के स्पेशल बच्चे बनना है। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए जियोगे, अभी हमने इतना अच्छा कार्यक्रम देखा कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट आप लोगों की दुख में मदद करते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करोगे उतना ज्यादा आपको जिंदगी में शांति मिलेगी, उतना ज्यादा हम लोग भगवान के करीब होंगे।